जी यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगा रेट है, हर चीज़ का रेट महंगा है। सब्जी भी बहुत हल्का, सब्जी तो अभी कोई ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है। नींबू वहाँ था 40, यहाँ 80 भेज रहे हैं। जो चीज़ लेके आते थे चीज़ में अंतर है, चीज़ हल्के क्वालिटी है। चिराग तले अंधेरा। दोस्तों इस कहावत का मतलब तो हम सब जानते हैं। आजकल फूड एंड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु के राज में ये कहावत लुधियाना पर फिट बैठती है, जहां लॉकडाउन के प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस के कारण जनता की सुविधा के लिए एरिया वाइज मंडियां तो लगा दी, पर तथाकथित काउंसलर्स के शय पर इन मंडियों में सब्जियों के भाव बड़ी सब्जी मंडी से 40% ज्यादा है। वही शहर वासियों अनुसार क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। शहरवासी इस बारे में कई बार सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठा चुके हैं, परंतु कर्फ्यू के चलते प्रशासन उनकी आवाज को अनदेखा कर रहा है। आइए देखें इस बारे में इलाके की मंडियों में सब्जी बेचने वालों ने क्या कहा। पहले बड़ी सब्जी मंडी जाते थे, अब आपको जहां मिलते जैसे बाढ़ के हिसाब से सब्जी लेनी पड़ती है, उसके बारे में बताइए। जी यहां तो बहुत ज्यादा महंगा रेट है, हर चीज का रेट महंगा है। जी मंडी रेट से तो यहाँ बहुत महंगा रेट है। नींबू वहाँ आता 40, यहाँ 80 भेज रहे हैं। प्याज वहाँ आती थी 20-25, यहाँ 30 रेट लगा रहे हैं, 27 लगा रहे हैं। सारा चीज़ का, हर चीज़ महंगा है और आधा तो ख़राब निकल जाता है। बेचने पे भी ग्राहक लड़ने लगता है, लिस्ट मांगता है मंडी रेट, वो चीज़ यहाँ दे नहीं पाते और बोलते हैं वहाँ से ले आओ, तो कहते हैं कि नहीं वहाँ तो इतना सस्ता है, आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं। और फिर अपना खरीद रेट भी यहाँ बेचने में नहीं निकलता, दिहाड़ी तो छोड़ दो। ठीक है, जैसे बड़ी सब्जी मंडी में जो रेट था उसके हिसाब से आपको जहाँ कैसा लग रहा है, ज़्यादा है कैसा? जी यहाँ तो बड़ी मंडी से यहाँ तो महंगा पड़ता है जी, हर चीज़ महंगा पड़ता है, धूप भी होती है। जो पहले मतलब सब्जी मंडी तो लेने जाना पैंता सी, हुण मतलब के इत्थे वार्ड वाइज करते आ। हाँ जी, हाँ जी, बारे की कहना चाहते? अद्दे बारे मैं कहना चाहना कि जी इतों जो गड्डी आ जाती सरकारी तो सानू सौखा भी हो जाता, तो सब्जियां जाना आना नहीं पैंता, किराया नहीं पैंता, ये करके सब्जियां सस्ती पै जाती, तो सारे वार्ड में पहुँचाने मैं कोई दिक्कत नहीं होंगी। तो अगे जिमें कई बार रेट बद घट लग जाते सी, वह भी बद घट रेट हूँ नहीं हो रहे हैं। हूँ थोड़ा पुलिस प्रशासन थोड़ा सही अपना सिस्टम संभाल के सारा कुछ कर रही है, तो पुलिस तो बाकी अपना कारपोरेशन दफ्तर के अफसर हो गए, जे SDM वगैरह सारे हो गए, पुलिसकर्मी ये सारे हो गए, ये सारे अपना काम कर रहे हैं। तिथे गड्डी आती सी तो सारे परचून कस्टमर जो कोठे वाले गड्डिया लेके कल्ले कल्ले समान लेंदे सी, वह भी बंद हो गया। हुण सानू कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम नाल सबनू मिली जा रहा है समान। जे इदां ये इन्हां ना कोठियों वाले दा आना जाना मतलब थोड़ा जिहा परचून दा खरीदना बंद होवे तो साडी डिलीवरी उन्हां दे घरे घरे पहुँच जाएगी, इस तो वधिया उसते कुछ होर नहीं। रेट बारे तुसीं की कहना चाहते हो? रेट बारे दी हुण रेट थोड़े इन्हां नू भी बद लगे सी मंडी आड़ती नू, तो इन्हां ने सानू बद लाया। फिर मैं कंप्लेंट कीती मतलब वरसा रामपाल नू, तो वरसा रामपाल ने अगे अपना लक्की बाजी नू कंप्लेन उन्हों कहा भी तुसी रेट जायज लो, तो आज दी डिटेल नाल इन्होंने रेट बहुत सिंपल और बहुत वधिया रेट लाने। रेट लैके तुसी कहना चाहते हो रेट कितना चल रहा है? रेट तो आज थोड़ा कंट्रोल में भी आज तो थोड़ा ठीक ठाक लगा, परसों बहुत ज़्यादा महंगा लगा कि गया था। सब्जी भी बहुत हल्का, सब्जी तो अभी कोई ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, सब्जी तो हल्की ही है। रेट एक दो आइटम में ज़्यादा, अब ये जानकारी नहीं, वो लोग कहते जो पीछे माल कम आया, अब ये तो नहीं दर सकते जो पीछे माल कम आया है कि ज़्यादा आया है, क्योंकि हम लोग तो कहीं जा नहीं सकते, यही है, हमें तो उसकी बात की जानकारी नहीं है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं जो पीछे माल कम आया ता करके महंगा पीछे है। जैसे रेट कहा जा रहा है वहाँ भी सस्ता, जहाँ पर कुछ महंगा लग रहा है, बताइए कितना फ़र्क आपको लग रहा है? जैसे नींबू में काफ़ी फ़र्क लग रहा है हमको, मटर में भी फ़र्क है, उसका करेला है ये तो में थोड़ा फ़र्क है। कितना फ़र्क है बताइए इसके बारे में डिटेल में? डिटेल में जैसे करेला हमको वहाँ 50 रुपये तक मिल जाते थे, अभी 80 रुपये किलो यहाँ लगा के गए। नींबू भी 50-60 मिलते थे, यहाँ 80 रुपये किलो नींबू भी लगा के गए हैं। अदरक उदरक आज तो थोड़ा कम ही लगाए, परसों ज़्यादा लगा दिया था, आज तो फिर भी ठीक है, आज तो जो मंडी का रेट है वही रेट लगाया। मतलब कि आगे आपको पहले महंगा मिल रहा था? हाँ पहले महंगा, दो दिन तो महंगा मिला है। जैसे काफी फर्क लग रहा है कैसे? नहीं काफी फर्क कुछ नहीं है, बस ऐसे जैसे नॉर्मल रेट जैसे हम लोग वहाँ से लाते थे वही रेट है, लेकिन चीज नहीं है वो,
जो चीज़ लेके आते थे चीज़ में अंतर है, चीज़ हल्के क्वालिटी है। एक सब्जी में कई क्वालिटी आते लेकिन ये लोग क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं लाते, क्वालिटी मीडियम हल्के में लेके आते। जैसे गोभी, गोभी हम लोग ट्राली वाले गोभी लेके आते थे खेतों वाले, वो गोभी ताज़ा आते थे, ये पता नहीं दूर दूर आते वो गोभी लेके आते, उतना साफ गोभी फ्रेश नहीं आते हैं, इसमें बन बंडल आते हैं। ये गोभी वहाँ पे सस्ता पड़ते हैं, रेट वो बढ़िया वाला का लगा रहे हैं लेकिन चीज़ हल्का लेके आ रहे हैं। हाँ जी, भाई साढ़ा वार्ड नंबर है 75 नंबर श्रावण नगर के एरिया दुर्गा माता मंदिर के नाल। हाँ जी, इन सानू सारा इन्होंने टारगेट दिता है जी, ये बंद रेड़े जो आते ना सब्जी लैन जी फ्रूट्स वगैरह यार, इन्होंने नंबर दिते हुए साढ़े को सर नंबर ला के आते हैं सारे, असं उन्हें नंबर लिख लेंगे एक एक रेड़े वाले जिम्मे एक टैंपू जो भी लेके आते हैं एक एक करके लेके जाते हैं। तो इन्हों के साढ़े जो अपने इतने के नाम भूल गया ना कौंसलर साहब सवेरे गेड़ा मार के जाते डेली अपने को सारा समझा के जाते जी, ये बंद ने इदा दो इदा दो इदा दो, बाई चांस कदे बंदे माल लिखा के जाते नहीं आते जिन्हें नंबर लगे पास बने हुए हैं, कौंसलर साहब इतने आके खुद फोन करते हैं आके जी अपना माल चुको किधर बारू होर मलेरकोटर वगैरह ना मंगा, कई इदा करते जी मलेरकोटर माल मंगा लेंगे जो कि अपने कौंसलर साहब जो इतने नहीं मंगा देंगे, प्रोपर जिन्हें बंद 18 बंद पास बने 18 बंद लेके जाते हैं। बाकी मैं कौंसल साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद है, तो इतने का प्रशासन का अपने SHO साहब जी गेड़ा मार के जाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, तो आशु जी का ममता मैडम का बड़ा बड़ा धन्यवाद है, पूरा सहयोग दे रहे हैं, मैडम आप ही गेड़ा मार के जाते हैं ममता मैडम बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने। रेट तो बारे कहा परसों थोड़े रेट बड़े हाई हो गए थे मार्केट के मंडी का थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो कहते जी माल नहीं मंगवा साढ़े दिखता नहीं, अज प्रोपर माल आया से प्रोपर रेट ल अगे ना बड़े रेट अज काफ़ी रेट कट गए हैं, जो सारे अज फड़ी वाले जो आने बड़े खुश होए अज माल सारे अगे ना डबल माल लै गए हैं अज क्योंकि अज रेट बड़े घटाते अज असी तो इन करके बड़े खुश हुए हैं सारा माल ही लैके अज डबल माल लैके गए। प्रोटेक्शन सानू पूरी मिली हुई जी सर, सानू चार बंदे मिले जी, दो कारपोरेशन वाले मिले हैं, दो SHO साहब ने भेजे हैं जी, उन्हें बंदे खड़े हुए जी इतने ऐसे करके किए जी जिमें कट्ठ ना पा दें जी, जिमें जो भैया लोग है जी देखते नहीं है इकट्ठे हो जाते 10-15 इकट्ठे माल माल लैन वाले, बस उन्होंने करके नंबर वाइज ला रहा है जी उन्होंने सारे। ओके, ब्यूरो रिपोर्ट डेली हितैषी। Watch Daily Hitachi, Voice of Nation.